अज असी 5 अप्रैल के दिन सिख तारीख दी घटनावां दी चर्चा करांगे। सब तो पहली घटना साढ़े कोल 1946 दी है। असी जानते हाँ कि क्रिप्स मिशन 1942 विच आया सी, उहने आके जिहड़े हिंदू सिखां ते मुसलमानां दे नाल विचारां कीतियां सर वी उहनां नूं किहड़े अधिकार दित्ते जा सकदे हन। पर उस तों बाद जिहड़ा नवीं इलैक्शन होई है इंग्लैंड विच, ते लॉर्ड एटली जिहड़ा उह इंग्लैंड दा प्राइम मिनिस्टर बनिया, ते 19 फरवरी 1946 दे दिन उसने 3 मिनिस्टर जिहड़े सन कैबिनेट मिनिस्टर सन तिन्हां नूं भारत भेजिआ तां जो जाके लोकां दे विचार सुन सकन, ते क्योंकि अंग्रेज छड़ के जाना चाहते सन। तो इस जो 3 मिनिस्टर सन जो सेंटर के वो सन सर पथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन का मुखी सीगा, ते ए वी अलैगजेंडर, ये 3 मिनिस्टर आए ने। इन्होंने आके सारे मुलाकात की है और इन्हों को बलदेव सिंह सिखा के नुमाइंदे के तौर पर पेश होया। आम तौर पर कहा जाता बलदेव सिंह तो मास्टर तारा सिंह जोड़ा सिख स्टेट की आफर हुई थी अंग्रेजों वालों, तो इन्होंने ना करती, बिल्कुल झूठ है। साढ़े को साफ अखबारों में उन्होंने अखबार 6 अप्रैल की अखबार छपया 5 अप्रैल 1946 के दिन बलदेव सिंह जोड़ा कैबिनेट कमिशन मिले और उसने मांग की है कि सिखा एक वक्रा देश सिख स्टेट दी जाए, जिद सिखा के गुरद्वारे पंजाब जे आ जाते हैं वो सारा इलाका जो शामिल किए जा, यानी कि ननकाना साहब तो लैके आनंदपुर साहब तक का जो इलाका वो सिखा सिख स्टेट के तौर पर दिता जाए। सो ये झूठ है कि बलदेव सिंह ने या मास्टर तारा सिंह ने जिहड़ा सिख स्टेट ने तो ना कर दिती सी। तो इस तो बाद साढ़े को 1986 की घटना है। 5 अप्रैल 1986 के दिन जलंधर में खाड़कुआ ने पुलिस से हमला करके जोड़ा अपने साथी जोड़े उन्होंने छुड़ा लिया। ये छुड़ाए गए सन उन्होंने सन गुरिंदर सिंह भोला, पंजवट झबाल का सुखदेव सिंह सुखा उर्फ जनरल लाभ सिंह, अराधीनपुर का सवर्ण सिंह छुड़ाए गए सन। इन्होंने नाल एक और दलजीत सिंह भी सीगा, 4 बंदे लियांदे गए सन। रमेश के कतल जिहड़ा जगबाणी ते पंजाब केस दा सीगा मालक, उहदे कतल दे केस इन्हां नूं जिहड़ा जोधपुर जेल च लियांदा गया सीगा। तो दलजीत सिंह चौथा सी, उह इन्हां चों दौड़ ना सकिया। तो इस जिहड़ा हथियारबंद हमला सीगा इहदे विच जिहड़ा मुखी सीगा मनबीर सिंह चेड़ू सी, उहने इह एक्शन कीता सीगा। तो 15 मिनट गोली चलदी रही जिहदे नाल 6 सिपाही भी मारे गए, पर इह अपने 3 साथियों नूं छुड़ा के जान विच कामयाब हो सके। बाद विच जिहड़ा गुरिंदर सिंह भोला है इहनूं जिहड़ा एक आपसी दुश्मनी दे तौर ते जिहड़ा चौक मेहता डेरा वालिआं ने जिहड़ा उसनूं कतल कर दित्ता सी। फिर 1986 की घटना, 5 अप्रैल 1986 के दिन जिहड़ा क्योंकि 13 अप्रैल 1986 दिन विसाखी के नाते जिहड़ा एक जत्था जाया करता है पाकिस्तान जिहड़ा दौर जाके विसाखी मनाया करता है, तो पंजा साहब जाता है, पंजा साहब विसाखी जिहड़ी वह मशहूर सी, तो उसके वास्ते जत्था जाता सीगा। तो सुरजीत परनाले की सरकार सी पंजाब च, तो इन्होंने जिहड़ा जत्था जा रहा सी 150 दे करीब सिखां नूं जिहड़ा वो दरबार जिहड़ा पाकिस्तान जाण दी इजाजत नहीं दित्ती, कि इह कह के भई इह जिहड़े देश वास्ते जिहड़ा इह कोई जिहड़ियां देश विरोधी कारवाइयां जाके कर सकदे ने। और इह दिलचस्प गल इह है इहदा विच 11 जिहड़े ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक दे मुलाज़म भी सन, जिहड़ी कि जिस दे उत्ते परनाले दा अपना कब्ज़ा सीगा। फिर साढ़े को 1991 की घटना है कि 5 अप्रैल 1991 के दिन पुलिस ने अवतार सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह वासी मुहम्मदपुर जिला पटियाला एक डकनी मुकाबले से मार दिता। फिर 1991 की घटना है, 1992 की घटना है कि पुलिस ने 5 अप्रैल 1992 के दिन तरलोचन सिंह, सुखविंदर सिंह, प्रतपाल सिंह कोसली मजीठा दे रहने वाले, बलविंदर सिंह धीमेवाल फरीदकोट, रजिंदर सिंह अमृतसर शहर, गुरजंट सिंह पुत्र धन्ना सिंह वासी रुड़क कलान जिला संगरूर, तरलोचन सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी कुजावाल, सुखविंदर सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र केवल सिंह वासी चुगावा नेड़े लोपोके, प्रतपाल सिंह पुत्र साधु सिंह वासी पूरे गिर नेड़े रमदास, हरजिंदर सिंह उर्फ काला पुत्र साधु सिंह वासी गली नंबर 2 शहीद ऊधम सिंह नगर अमृतसर शहर, और गुरबचन सिंह ते मोहन सिंह जिहड़े आ उह फिरोजपुर दे रहण वाले सन, इन्हां नूं पुलिस ने नकली मुकाबले च मार दिता। 1993 की घटना है कि 5 अप्रैल 1993 पुलिस ने मखर सिंह पुत्र काबुल सिंह वासी चौड़ा जिला गुरदासपुर, राणा प्रताप सिंह पुत्र जैला सिंह वासी दियो पिंड, बलबीर सिंह ते बिट्टा दोवें पुत्र मुख्तियार सिंह वासी दियो पिंड नूं नकली मुकाबले च मार दिता। इस तरह साढ़े को 2013 की घटना है कि 5 अप्रैल 2013 के दिन उसने प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी और साडा हक नाँ की एक फिल्म बनाई गई थी जिद कोई थोड़ा जहा खाड़कों बारे पेशकारी की गई थी और इसमें सेंसर बोर्ड ने पास किया। इसके बावजूद प्रकाश सिंह बादल सरकार ने साडा हक फिल्म जी है वो लाने पाबंदी ला दी, जी कि बाद हाईकोर्ट की मंजूरी तो बाद चलाई गई। ये सन घटनावान 5 अप्रैल दिया जो तारीख से रिकॉर्ड हुई हैं। शुक्रिया।